सब्सक्राइब कीजिए लर्न ट्रिपल ई चैनल को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकॉन को ताकि आप देख सकें लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। हेलो दोस्तों, लर्न ट्रिपल ई चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त जगदीश जोशी। दोस्तों, आज का ये वीडियो काफ़ी स्पेशल होने वाला है उन लोगों के लिए जो लोग RLC सीखना चाहते हैं या फिर जो लोग RLC सीख रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम कॉन्ट्रैक्टर के बारे में डिस्कस करेंगे कि भाई कॉन्ट्रैक्टर किस तरीके से काम करता है, इसके कनेक्शन किस तरीके से किए जाते हैं और इसको हम खोल करके भी देखेंगे कि इसके अंदर क्या क्या होता है और उनका वर्क क्या होता है, मतलब कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से उनका वर्क क्या होता है, किस तरीके से काम करता है, इसको मैं आज प्रॉपर तरीके से बताने की कोशिश करूंगा। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी और इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। आज मेरे पास जो ये कॉन्ट्रैक्टर है ये स्नाइडर का है, स्नाइडर का 9 एम्पियर का ये कॉन्ट्रैक्टर है और 220 वोल्ट पे ये ऑपरेट करेगा। तो 220 वोल्ट पे ऑपरेट करने का मेरा मतलब ये रहता है कि भाई इसके अंदर जो कॉइल होगी वो 220 वोल्ट एसी की रहेगी, जैसे कि इसमें यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि ये M7 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज पे जो है ये काम करेगी। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा होगा लेकिन यहाँ पे इसमें लिखा हुआ है। तो अभी देखिए, जो ये स्नाइडर का हमारे पास कॉन्ट्रैक्टर है इसमें इन्होंने यहाँ पे ऊपर जो है 6 टर्मिनल दे रखे हैं, A1 एंड A2। जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा जो A1 एंड A2 वाला टर्मिनल जो है यहाँ पे ये कॉइल का टर्मिनल रहता है। अगर आपका यहाँ पे 220 वोल्ट का अगर कॉन्ट्रैक्टर है तो वो यहाँ पे आपको फेस एंड न्यूट्रल यहाँ पे A1 और A2 को पर देना होगा। अगर 24 वोल्ट का है तो DC में 24 वोल्ट आपको A1 एंड A2 को देना होगा। साथ ही इस कॉन्ट्रैक्टर के साथ ही हमको यहाँ पे एक NC पॉइंट और एक NO पॉइंट यहाँ पे मिल जाता है। जैसे कि मैंने आपको अपनी जो RLC का पार्ट 1 था उसमें NO NC के बारे में आपको बताया था कि 1 एंड 2 जो हमारा होता है एड्रेसिंग का वो हमारा NC होता है। ऐसी 1, 2 एंड 21, 22, सेम इसी तरीके से 31, 32 जो एड्रेसिंग होगी वो NC की होगी और 3 एंड 4 जो होगा वो NO का होगा। इस तरीके से 13 एंड 14 NO एंड 23, 24 NO, तो इस तरीके से एड्रेसिंग जो होती है एड्रेसिंग को भी हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए जो NO यहाँ पे लिखा हुआ है NO के साथ में एड्रेसिंग दे रखी है यहाँ पे 13 एंड नीचे NO है उसका एड्रेसिंग दे रखा है यहाँ पे 14। सेम इसी तरीके से NC का है 21 एंड 22। तो इस कॉन्ट्रैक्टर में हमको एक NO और एक NC दिया हुआ रहता है। सेम उसी के साथ ही जो इसी ऊपर का जो एक कवर है, कवर इसका खुल जाता है, इसको हम स्लाइड करेंगे ऊपर की तरफ तो ये खुल जाएगा। और इसके साथ में हम क्या काम कर सकते हैं, यहाँ पे एक ऑक्सिलरी अलग से और लगा सकते हैं ताकि अगर हमको एक्स्ट्रा NO और NC की ज़रूरत है तो हम यहाँ पे ऑक्सिलरी लगा सकते हैं ताकि हमको कंट्रोलिंग में और आसानी हो। कंट्रोलिंग में अगर हमको एक्स्ट्रा NO और NC चाहिए तो हम यहाँ पे ऑक्सिलरी में यूज कर सकते हैं। बाकी साइड में भी हम इसका ऑक्सिलरी यहाँ पे लगा सकते हैं। उसके साथ ही जो यहाँ पे देखिए कॉन्ट्रैक्टर को अगर मैं खोल करके आपको दिखाऊं तो यहाँ पे साइड में देखिए इसका लॉकिंग रहता है। यहाँ पे दिख रहा होगा आपको सेम इस तरीके से दोनों साइड में इसके लॉक करने का ऑप्शन दे रखा है। अगर मैं इसको पुश करूँगा तो पुश करते ही ये खुल जाता है। ठीक है, जैसे ही मैंने इसको पुश किया तो पुश करते ही ये खुल गया। नाउ इसको हम ओपन करते हैं तो ओपन करने के साथ ही हमको यहाँ पे देखिए कॉइल मिलती है, एक ये इसकी कॉइल है। ओके, देखिए ये इसकी कॉइल है जो कि 220 वोल्ट एसी पे ऑपरेट करेगी। जैसे कि मैंने आपको बोला था कि बाहर दिखा रहा था, मैं आपको शायद दिखा नहीं होगा, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है 220 वोल्ट 50 और 60 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पे जो है ये काम करेगी ये इसकी कॉइल। एंड ये इसका स्प्रिंग रहता है, स्प्रिंग इसलिए लगा रहता है कि भाई जैसे ही कॉन्ट्रैक्टर हमारा होम पोजीशन पर रहेगा तो होम पोजीशन पर रहने पर हमारा ये कॉन्ट्रैक्टर जो है स्प्रिंग की मदद से ऊपर की तरफ रहना चाहिए, क्योंकि स्प्रिंग जो रहेगा इसको ऊपर की तरफ पुश करके रखेगा, ऊपर की तरफ ऐसे इसको पुश करके रखेगा। एंड जैसे ही हम कॉइल को सप्लाई देंगे तो कॉइल क्या होगी, हमारी कॉइल मैग्नेटाइज होगी और मैग्नेटाइज होने के साथ ही ये जो कोर लगे रहते हैं यहाँ पे ई शेप में कोर रहते हैं, दो कोर देखिए मैं आपको दिखाता हूँ इसमें यहाँ पे ये देखिए ये यहाँ पे कोर है, जैसे कि हमारे ट्रांसफार्मर में कोर रहते हैं ना, कि ट्रांसफार्मर में EMF जो कोर में EMF इंड्यूस करने के लिए कोर रहते हैं, सेम इसी तरीके से इसमें भी कोर रहते हैं। हमारे ई शेप में दो कोर रहेंगे, एक कोर रहता है हमारा इसमें जो कि इसमें फिक्स है ये, और ये इसके साथ ही जो स्विचिंग यहाँ पॉइंट्स हैं हमारे उनके साथ में हमारा यहाँ पे ये
कनेक्ट है और यही इसको अप एंड डाउन करता है। जैसे ये कॉइल मैग्नेटाइज होगी तो हमारा क्या होगा, ये कोर जो होगी वो नीचे की तरफ इसको अट्रैक्ट करेगा एंड हमारी स्विचिंग जो है वो हो जाएगी। ठीक है, तो ये इसका एक सिंपल सा वर्क है, ये इसको पुश एंड मतलब पुश करता है एंड कॉइल जो है हमारी जैसी कॉइल मैग्नेटाइज होगी तो हमारा जो ये कोर जो है इसका, ये कोर नीचे की तरफ पुश करेगा एंड हमारा जो ये स्विच एनो पॉइंट जो है इस कॉन्टैक्टर के जो मैन स्विचिंग एनो पॉइंट है ये एनसी बन जाएंगे। ठीक है, तो अभी देखिए इसके अगर हमें कनेक्शन की बात करूँ तो कनेक्शन में जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 1L1 एंड 3L2 एंड 5L3। तो 1 और 2 जो है, 1 पे अगर हम यहाँ पे इसको इनपुट देंगे तो 2 से हमको आउटपुट मिलेगा। सेम इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे 3 को इनपुट देंगे तो 4 से हमको आउटपुट मिलेगा एंड 5 को अगर हम इनपुट देंगे तो 6 से हमको आउटपुट मिलेगा। तो यहाँ पे ये 3 फेज का एक कॉन्टैक्टर है जिसको हम 220 वोल्ट AC इसको कॉइल को ऑपरेटिंग वोल्टेज देंगे, कंट्रोलिंग वोल्टेज देंगे एंड यहाँ पे L1, L2, L3 को हम इनपुट सप्लाई देंगे एंड आउटपुट हमको T1, T2 एंड T3 से मिलेगा। ठीक है, अगर मैं इस कॉन्टैक्टर के मॉडल नंबर की बात करूँ तो LC1D09 इसका मॉडल नंबर है और इसके NO और NC को चेक करने के लिए हमको मल्टीमीटर की जरूरत पड़ेगी। तो चलिए मल्टीमीटर से चेक करते हैं इसके NO और NC टर्मिनल को। ओके, तो कॉन्टैक्टर मैंने यहाँ पे दोबारा से इसको रीअसेंबल कर दिया है। उसके बाद में यहाँ पे देखिए जो मल्टीमीटर को हम इसकी सेटिंग जो करेंगे वो या तो कंटिन्यूटी पे रख लीजिए आप, या फिर इसका रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए जो यहाँ पे रहता है वहाँ पे आप इसको सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद कॉन्टैक्टर अगर देखिए हमारा कोई भी कॉन्टैक्टर अगर हमको चेक करना है कि भाई कॉन्टैक्टर हमारा सही है या फिर ख़राब है, चेक करने के लिए जो A1 और A2 जो हमारी कॉइल रहती है इन दोनों कॉइल्स का हम रेजिस्टेंस चेक कर सकते हैं। तो अगर यहाँ पे हमको रेजिस्टेंस बता रहा है तो इट मीन्स ये है कि हमारा जो कॉन्टैक्टर जो है वो बिल्कुल सही है और कॉइल इसकी बिल्कुल सही है। ठीक है, उसके बाद अगर हम इसके NO और NC पॉइंट्स को चेक करना चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए जो NC पॉइंट है, NC पॉइंट को यहाँ पे मैं चेक कर रहा हूँ तो ये इसका कंटिन्यूटी हमको बता रहा है। यहाँ पे मैंने इसको रेजिस्टेंस पे सिलेक्ट किया हुआ है तो यहाँ पे मैं इसकी कंटिन्यूटी पे इसको सिलेक्ट कर देता हूँ। तो ये देखिए मल्टीमीटर हमारा बीप कर रहा है और हमको ये पॉइंट जो है ये NC पॉइंट है। लेकिन जैसे ही मैं कॉन्टैक्टर को पुश करूँगा, यहाँ पे देखिए जैसे ही मैं कॉन्टैक्टर को पुश करूँगा तो ये NC पॉइंट ब्रेक हो जाएगा। देखिए ब्रेक हो गया है, मैंने इसको मैनुअल पुश किया और जैसे ही मैं इसको छोड़ दूंगा तो ये अगेन जो है NC पॉइंट इसका NC बन जाएगा। पुश करने पे NO रहेगा और जैसे ही हम इसको छोड़ देंगे तो ये NO बन जाएगा। तो पुश करने का मतलब ये है मेरा कि भाई अगर जब हम इसको कंट्रोलिंग वोल्टेज देंगे तो ये क्या रहेगा, ये ऑपरेट हो जाएगा हमारा और इसका NC NO बन जाएगा। सेम इसी तरीके से अगर हम इसका NO चेक करते हैं तो NO अपनी होम पोजीशन पे जो रहेगा वो ऑफ कंडीशन में रहेगा। ठीक है, NO अपनी होम पोजीशन पे जब रहेगा तो वो नॉर्मली ओपन रहेगा, ओपन। लेकिन जैसे ही कॉन्टैक्टर को हम एक्टिवेट करेंगे, कॉन्टैक्टर को हम कंट्रोलिंग वोल्टेज देंगे तो ये NC बन जाएगा। ठीक है, छोड़ दिया हमने, ये अगेन NO बन गया और जैसे ही हम इसको ऑपरेट करेंगे तो ये दोबारा से NC बन जाएगा। ठीक है, तो जब हम इसके कनेक्शन करेंगे तो कनेक्शन करते टाइम हमको और ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। फिलहाल मैंने इसकी जो एड्रेसिंग थी वो आपको बताई, बाकी जो ये स्नाइडर का कॉन्टैक्टर था, जरूरी नहीं है बस स्नाइडर के कॉन्टैक्टर में ऐसा फंक्शन रहता है। आपको जितने भी कॉन्टैक्टर आप देखने को मिलेंगे, आपको चाहे वो सीमेंस का हो, चाहे वो L&T का हो, या फिर चाहे वो टैली मैकेनिक का हो, चाहे किसी भी कंपनी का आप कॉन्टैक्टर ले लीजिए, सभी कॉन्टैक्टर्स का सेम वर्किंग रहता है। A1, A2 आपको उसमें कॉइल का सप्लाई देना होगा A1 और A2 में। NC पॉइंट की एड्रेसिंग सेम रहेगी, 21, 22 हमारा NC रहेगा, 13, 14 हमारा NO रहेगा एंड इसके जो कॉइल मैंने आपको जो खोल के दिखाई थी सेम ऑपरेटिंग मतलब वर्किंग सेम रहेगा उनका। बाकी जो कंट्रोलिंग वोल्टेज जो है वो कंट्रोलिंग वोल्टेज चेंज हो सकती है, आप कितने वोल्टेज मतलब कितने वोल्टेज पे आप कंट्रोलिंग कर रहे हैं वो मैटर करता है, 24 वोल्ट पे कर रहे हैं या फिर 110 वोल्ट पे कर रहे हैं, 220 वोल्ट पे कर रहे हैं या फिर 440 वोल्ट पे कंट्रोलिंग कर रहे हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। और जितने पे आप कंट्रोलिंग कर रहे होंगे सेम आपको उतने का ही कॉन्टैक्टर चाहिए होगा। अगर आपके पैनल में 24 वोल्ट की कंट्रोलिंग हो रही है और बाकी सारे कॉन्टैक्टर्स 24 वोल्ट
कंट्रोलिंग वोल्टेज पे ऑपरेट हो रहे हैं, तो आपको भी वहाँ पे 24 वोल्ट का ही कॉन्टैक्टर जो है वो यूज़ करना पड़ेगा। ओके गाइज, तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। कॉन्टैक्टर के ऊपर एक छोटा सा वीडियो था जिससे कि आपको पता लग सके कॉन्टैक्टर के बारे में। बाकी आगे जब हम कनेक्शन करेंगे, कनेक्शन में समझेंगे, तो उसमें आपको और ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंडों में, और अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में जो बेल आइकॉन है उसे ऑन कर लीजिए, ताकि आपको हमारी सभी न्यू वीडियोज़ का नोटिफिकेशन लगातार मिलता है। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, जल्द मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।